अभी मैं कान भी जाके आई हूँ। कान है किधर? इट्स द सदर्न साइड ऑफ फ्रांस। कहाँ लैंड होना है? नीस में आपको लैंड होना पड़ता है। नीस पे? हाँ, मतलब उन्होंने जहाज खोल दिया अपने घुटनों के बल। क्या वो रील देखी हमने, ऐसे उसने ऐसे पैर छुआ। अरे उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि माँ की आग हटो भाई, फोटो होने चाहिए। वो जो लंबी सी चादर है वो लेके फिल्म देखो कि वो कहीं रख के जाओ। जो जो चल रहा है साफ करते करते चलो। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई थी वहाँ पे, बड़ी बड़ी हीरोइनों को बोला था प्लीज यू कैन वॉक ऑफ द रेड कार्पेट, आप जल्दी निकलिए यहाँ से। इसीलिए वो जाती नहीं यार, इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं गए ना कभी कान? नहीं, हम नागपुर तक ही रह गए, कान तक लड़की चली गई। पापा इज एन एक्शन डायरेक्टर, तो उन्होंने कम से कम 200-300 फिल्में की, सिंघम, गोलमाल, सन ऑफ सरदार। और उनका एक सपना था कि मेरा बेटा हीरो बने, बट ये था कि मेहनत खुद भी की, कई चीजों की, पिक्चरों की जो सीन्स होते थे वो लिखना शुरू किए, टेरेस पे जाके मेहनत की, अपने आप ही करा, पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है। अब ये जो क्या हो रहा है, ये वजन से हुआ है, उठो। बच्चन साहब से भी ऊंची कुर्सी में बैठा है और मेरे को बार बार मेरी औकात दिखा देती है कुर्सी कि मैं इससे नीचे ही हूँ। जब मेरी कोई अच्छी बात होती है मैं चली जाती हूँ नीचे। यार मैं पूरे हफ्ते इतना नहीं हंसी जितना आपने मेरे को हंसा दिया अभी। मैं तो ये कहूंगी कि पंजाबियों की बाढ़ आ गई है। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। खुशी होती है जब पंजाबी आ रहे हैं? बहुत खुशी होती है, और बहुत खुशी होती है जब अपने दोस्त आते हैं यार। yes. सनी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लोग आपको, हम आपको बहुत ज्यादा प्यार, मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ। मैं बीच में जब फिल्में भी कर रहा था तो कई बार आपके शोज ब्रॉडकास्ट देखे, तो मैंने, मेरे को भी जाना, मुझे पता है अब वो वेट नहीं हो रही, अब वो टाइम आ गया। इसीलिए सनी ने फिल्म की, कहते चलो भाई इसी बहाने जाते हैं। और बहुत सारे एक्टर्स होते हैं ना जिनको हम देखते हैं कि स्क्रीन पे ये अलग है और ये असलियत में अलग है। आप इकलौते एक्टर हो जो स्क्रीन पे जो मासूमियत दिखती है ना वो रियल में भी वैसे ही हो। रियल में मासूम भी? हाँ, सच में प्यारा इंसान। हाँ, मतलब इस बंदे को हर लड़की धोखा ही देती है ना कि इसको घूमती होगी पैसे वैसे, कॉफियां पीती होगी स्टारबक्स की, और फिर बाद कहती है। सच बताओ, एक्चुअली चक्कर ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा एक इमोशन है जिसमें मैं रियल हूँ और वो चीज दिखाई गई है पर्दे पे। अब जब हम किसी को मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, एकदम रिस्पेक्ट से मिलते हैं, तो वो एक इनोसेंस का पार्ट है, वो दिखाया गया है फिल्मों में, तो वो है। बाकी और भी चीजें हैं। बट सनी सच में यार तुम भोले हो, पता है? वो तो आप बोल रहे हो तो मान। हाँ, सच में घर वाले क्या कहते हैं कि घर में कैसे बच्चे हो, चलाक बच्चे या भोला? मैं शैतान भी बहुत हूँ। अच्छा, वो तो एक साइड है, जैसे सभी होते हैं यार, आपके अपने घर वालों के साथ अलग होता है। हाँ, टीवी पे वो जो सोनू की स्वीटी की ट्वीटी जो भी है और पंचनामा वो देख लिया, उसमें भोला सब चारा मिलते सारी फिल्मों में। इसी लड़के कर भी क्या सकते हैं, हर फिल्म में लड़की छोड़ के जा रही है, सारी फिल्मों में। असलियत में कितनी छोड़ के गई है? सच्ची से सही, मैं ज्यादा नहीं छोड़ के, नीचे गिन भी नहीं छोड़ा। हां भाई, अल्लाह ऑनेस्टी से बोलेंगे, हैं मैंने भी छोड़ा, सब छोड़ते हैं एक दूसरे को। छोड़ा छाड़ी हो चुकी है भाई। अब आपकी फिल्म आ रही है लव की अरेंज मैरिज, मैंने उसका अभी पोस्टर देखा, ट्रेलर रिलीज हो चुका है क्या? ट्रेलर रिलीज होगा अब। अच्छा, आई थिंक कुछ चंद घंटे में हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि जब तक ये पॉडकास्ट आ रहा है तब तक ये ट्रेलर रिलीज हो चुका होगा। तब तक हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा शायद। एक्चुअली हमारा हीरो पहले पहुंच गया, हीरोइन अभी कहीं ट्रैफिक में स्टक है। हीरो हमेशा पहले पहुंच, हीरो ने जैकेट पहन ली थी दोस्तों, तो मैंने कहा जब जैकेट पहन ली ना हीरो ने तो शुरू करना पड़ेगा पॉडकास्ट, क्योंकि रजनीकांत जी ने बुलंदी पिक्चर पे अपना गमछा ऐसे कर लेते थे ना कि हो गया, तो इस करके शुरू करते। सनी बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है कि कोई अपना ही बंदा बैठा है। सफर कब से शुरू हुआ? क्योंकि मैंने तो बस वही देखा है, प्यार का पंचनामा से ही देखा कि पूरा चुट्टा कोई लड़का आ गया यार, भोला जी पंजाब का। करेक्ट, कौन है ये लड़का? कि फिल्में पहले ही शुरू हो चुकी थी? फिल्में बहुत, एक्चुअली जब मैं छोटा था तब घर वाले ने बोलना शुरू कर दिया था कि तूने हीरो बनना, क्योंकि पापा इज एन एक्शन डायरेक्टर, और उनका एक सपना था कि मेरा बेटा हीरो बने। तो उन्होंने कम से कम 200-300 फिल्में की, जिसमें सिंघम, गोलमाल, सन ऑफ सरदार काफ़ी थी। ओ, तो वो एक चीज़ थी, वो हमेशा कहते थे कि तूने हीरो बनना है, तो टफ तो है एज ए टेक्नीशियन भी, उनका सपना तो है और वो पूरा होना उनको भी नहीं पता था कैसे होगा, बट ये था कि मेहनत खुद भी की, टेरेस पर जाके मेहनत की, कई चीज़ों की, पिक्चरों की जो सीन्स होते थे वो लिखना शुरू किए, फिर ऊपर गए, परफॉर्म अपने आप ही करा, पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है। जब पापा ने ये बताया कि भाई ऑडिशन देना है तेरे को और ये सारी चीज़ें होनी है, एंड देन बहुत डिफिकल्ट होगा, तू रेडी है? ऐसा ना हो तेरे साल वेस्ट हो जाए। मैं कहा नहीं, मैं करूँगा।
बिकॉज जब आप अपने फादर को देखते हो मेहनत करते हुए, yes. वो हमेशा कहते हैं कि सभी के घर वाले ये कहते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं तो तुम यहाँ से यहाँ तक जा ही सकते हो. yes, तो वो एक चीज़, एक पैशन तो था. मीटिंग अ राइट पर्सन एट राइट टाइम, द डायरेक्टर वॉज माई इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट. करेक्ट. उसमें मैं कहीं लकी रह गया सच में कि मैं लवसर को मिला. उनकी सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है वो पर्सनली, बहुत लोगों को मैं मिला हूँ बट जितना जितने क्लोज वो हैं, और वो 3 बजे कॉल कर लो रात में या कुछ है, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती ही इज़ देयर. फैमिली तो उनकी है, उनका तो ख्याल रखेंगे, वो सबसे ज़्यादा हमारा रखते हैं जो लोग उसके दोस्त हैं. तो वो चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी. और वो हमेशा कहते हैं कि एक एक्टर जो है वो एक्टर अच्छा हो वो ठीक है, बट इंसान अच्छा होना चाहिए. अगर इंसान अच्छा नहीं है, एक्टर अच्छा है, तो मैं क्या ही कर लूँगा उससे काम. ऑन दैट नोट अवनीत आ चुकी है. चलिए जी, हमारी सुपरस्टार प्यारी सी बच्ची, जो मैं झलक में थी तो तब ये छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अब मैं भी एक बच्चे की माँ बन गई और ये बच्ची बड़ी हो गई है. पहले तो अवनीत वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लग रहा है यार मेरे को. आपने मेरे कपड़े नहीं देखे? ये आपने सुबह, अच्छा हम इतने टाइम से जानते, मेरी तारीफ नहीं हुई. एक बात बोलू, मीडिया ने आपको कवर ही नहीं किया, पता यही थी. मैं जिधर खोलू या तो आके चले गए. इसकी आपने सुबह से यही कपड़े पहने थे, एक ही ना है ना. अवनीत ने दो दो ना, ये मेरा हाँ, फिर तो वो कवर करेंगे ही नहीं यार, इतनी बड़ी उड़ रही है. अवनीत मैडम इधर 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 एक, अरे मैडम, अरे मैडम, रैप लेफ्ट राइट राइट. जिस दिन लड़कियां पैप्स आ गई ना, तब कवर करेंगी आपको. भाई लड़कियां पैप्स, सारे लड़कियां पैप्स होनी चाहिए. सनी प्लीज, सनी प्लीज लुक एट मी, सनी, ओह नो सनी इज राइट. ले कितना मजा आ जाएगा ना उसके बाद. अरे लड़के हमेशा फैंस रहते हैं. अच्छा आपको क्या लड़की, आपकी लड़कियां ज्यादा फैंस है या लड़के? ऑब्वियसली लड़के होंगे, बट कंपैरेटिवली आई थिंक मेरे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ रही थी जब मैंने अलादीन किया था शो, तब क्योंकि वो प्रिंसेस यास्मीन का था ना, वॉरियर प्रिंसेस का कैरेक्टर, तो बहुत लड़कियों ने बहुत मतलब उनको अच्छा लगा, उनको ऐसे लगा कि बहुत इंस्पिरेशनल लड़की हूँ मैं, कि मैं भी वॉरियर प्रिंसेस बनूंगी बड़ी होके. अनुपमा भी तो सारी समझती है अपने आप को, है ना. उससे बहुत फर्क पड़ता है बहुत. हम जब टीवी में कोई किरदार निभाते हैं या टीवी में आपके शो की ऑडियंस, जैसे खतरों के खिलाड़ी एक शो है, उसकी ऑडियंस आपको लगता होगा बहुत मैनली और माचो लोग, वो बच्चे देखते हैं. अच्छा हाँ, तो हम भी जब अभी जैसे हमको भी ना बच्चे बड़े पसंद करते हैं, जबकि हमने कभी कोई किड शो नहीं किया, कभी कोई बच्चों वाला काम नहीं किया, बट फिर भी बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं. आल्सो दैट कॉमेडी भी एक फैक्टर है, वो तो पसंद करते ही. बट अवनीत, ये अब मैंने इससे पहले एक फिल्म देखी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, बहुत कमाल थी, और अब ये फिल्म. सो कैसा एक्सपीरियंस है सबसे पहले तो? बिकॉज बहुत अच्छा लगता है हमको भी कि हम में से कोई एक लड़की है जो इतना अच्छा नाम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, वो भी इस एज में. yes, और ये दोनों वो वाले हैं कि इनके पापा भी बॉलीवुड में हैं, लेकिन मतलब ऑडिशन दिए प्रॉपर लड़के ने. और इस बच्ची को तो मैंने देखा कि हम इनकी फैमिली में तो दूर दूर तक तो कोई नहीं है ना. ये एक्टिंग में ना हमसे भी सीनियर है. आई थिंक बताया था इसने आज. छोटी सी, मतलब छोटी सी थी तभी लोन उतारने शुरू कर दिए थे इसने, प्यारी बच्ची ने. ये हमारी बिटिया लगती है हमको, हमारे सामने बड़ी हुई है ना. मुझे ऐसा लगता है मैं अपने गोले के लिए हाथ मांग रही हूं. सच में यार बड़ी टैलेंटेड लड़की है, और मैंने इसकी जर्नी देखी, तो जब आप जिसकी जर्नी देखते हो ना, आपको अपना लगने लग जाता है. जैसे ऐसे लगता है कि जलंधर से अपना मासी का लड़का है, इसकी जर्नी देखी और ये भी बच्ची. और मैंने देखा है कि मम्मी पापा कैसे झलक में आते थे और बड़ी मेहनत, लेकिन अब मजा आता है. अवनीत बहुत अच्छा लगता है. तो पहले तो आपसे मिलके इतना अच्छा लग रहा है मुझे. हम लोग एक बार भी बैठे नहीं है अभी. हाँ, हम बैठना चाहिए. फिर पहले थल्ले बैठिए. नहीं नहीं, फिल्म हिट होएगी तो फिर बैठने आराम से बैठेंगे. हिट तो होनी है. मैं तो एक और चीज बोलूंगा कि आप इतने वार्म भी हो ना एट द सेम टाइम. मैं पहली बार जब मिला था बहुत साल पंचनामा कॉमेडी सर्कस के सेट पे, तब वो पहले दिन ही इन्होंने ऐसे घर वाली वाइब बना ली थी. पता नहीं, मुझे लगता है कि पंजाबी सारे ऐसे ही होते हैं ना, कि हमको एटीट्यूड भी नहीं दिखा रहा था. मैं तो थक ही जाऊँ एटीट्यूड दिखा के इतनी देर. मैं तो मैं भूल ही जाऊँ ना, हम लोग तो ऐसे ही होते हैं. जिंदगी में नहीं देखा मैंने. हाँ, मेरे को कभी किसी ने मेरे कहा ही नहीं भारती ने एटीट्यूड दिखाया. मेरे को मतलब थोड़ा करना पड़ा, थोड़ी खबर पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा बहुत तो बनता है. हाँ, लेकिन मुझे बताओ कि आप दोनों में से जब एक दूसरे को मिले थे फर्स्ट टाइम, किसने एटीट्यूड दिखाया था? कि एटीट्यूड में बताता हूँ, फिल्मों वाला था भाई. पहले टाइम भी नहीं मिला. क्यों? क्योंकि पहले दिन धूप, इतनी धूप भोपाल में, और गाना शूट कर रहे थे. गाना भी शूट हो रहा था वही बैरफुट, तो अपनी टेंशन ज्यादा थी. तो एटीट्यूड का तो एटीट्यूड सब चक्कर ही नहीं. एटीट्यूड मुंह देख के लग रहा होगा कि सड़ा हुआ ये. एक दूसरे से बात नहीं हुई ज्यादा. अच्छा,
फिर जब हम शेड में गए फिर मस्ती की हमने, प्लस वो वाली बात आ जाती है ना पंजाबी है तो फिर वो बात भी हमने पंजाबी में की, इनकी फैमिली भी थी तो एक ग्रुप बन गया। और जब आप बाहर होते हो तो एक पूरी अपनी टीम होती है, दूसरे एक्टर की भी टीम होती है, वो एक फैमिली बनी जाती है। हम अभी जब आप आई नहीं थी तो हम बात कर रहे थे फैमिली की, लाइक जैसे सनी के पापा ने एक्शन डायरेक्टर रहे हैं, कितना काम किया है। हम अभी कुछ दिनों पहले आपके मम्मी पापा से मिले थे। हाँ, अपने मम्मी पापा से डिनर किया, देखो क्या बात, हमने डिनर किया। तो हाँ, तो इतने सिंपल मम्मी पापा येट स्मार्ट। यू थिंक के बच्चों को जैसे किड्स चाइल्ड एज में जब हम एक्टिंग करते हैं काम करते हैं उसमें मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही आपको पूरा क्राफ्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपकी मेहनत होती है, आपका काम होता है, आप धीरे 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 सीखते हो कैमरा फेस करना हर चीज़, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कितना बड़ा हाथ रहा है। आई थिंक आज भी मतलब मम्मा है, बाय द वे अभी भी मम्मा अच्छा? तो हमेशा कोई ना कोई साथ में रहता ही है। अभी मैं कैन भी जाके आई हूँ, पापा थे मेरे साथ वहाँ पे। क्या वो रील देखी हमने, ऐसे उसने ऐसे पैर छुआ, कॉन्फिडेंस ऐसा लगता कि मैं 15-16 बार आ चुकी हूँ। उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि माँ की आंख हटो भाई, मुझे पता कैसे पता लगता है, होने चाहिए ऐसा ही था ना भाई, मुझे कैसे पता लगता है कॉन्फिडेंस कैसा नहीं। ये टिपिकल होता है ये, ओम शांति उमर, वो मुझे पता नहीं बट नॉर्मली मैं लोगों को ऐसे ही दिखा है। बताता कि ड्राइवर को बोले जाना नहीं, अच्छा ऐसे वाला करने मैं ऐसा करता किधर, कान है किधर, किधर है, कैसे जाते हैं मुझको ये भी बताना। इट्स द सदर्न साइड ऑफ फ्रांस, कहां लैंड होना है अब बोला है, कहां नीस में आपको लैंड होना पड़ता है, फिर वहां से आप कैन जाते हो नीस पे, नीस। हाँ मतलब उन्होंने जहाज खोल दिया अपने घुटनों के बल, लैंड होना पड़ता है यार सच में, मतलब इतनी अंग्रेजों के बीच में जाके हेलो हाय करते रहो और सारे वो लोग कैसे लोग वहाँ पे, तो पूरा इंग्लिश में समझते नहीं है, थोड़ा बिल्कुल नहीं इंग्लिश नहीं समझते ना वहाँ पे लोग, थैंक गॉड वहाँ पे अंग्रेज है। अगर ये इंडिया, चलो चलो मैडम आगे बढ़ो, अरे भीड़ लग गई मैडम, गाउन उठाओ अपना, मैडम वो पैर रख दिया उसने, ऐसा होता है नो वे चल रहा उधर नहीं। एक्चुअली अभी कैन में भी बहुत ही हालत खराब हो गई है। नहीं हाँ वो मतलब जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो लिटरली 20-25 पीपल आर द रेड कार्पेट एक साथ, सो आपका है वो लाइक यू विल गो, पीपल रिकॉग्नाइज यू, या आपके लोग हैं वहाँ पे, जैसे मेरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे, दे वर सपोर्टिंग मी दैट टाइम, सो दे वर स्क्रीमिंग माय नेम अवनीत एंड अवनीत वी आर हियर, यू नो वी आर सपोर्टिंग यू। अच्छा चलो आपके फैंस चाय पीने चले गए, हम जाते तो ऐसे बोलते बोलना की है था दस्त है बोला वो नहीं, तेरी आवाज की दम आ रही है, तू सानू की तो देखेगा ये ठीक है भाई अपने लोग लेके जा अवनीत, तो हाथ तो हिलाओ, मैं इधर देखी जाऊँ अंग्रेज ही अंग्रेज, किसको हाथ ही नहीं, क्योंकि मेरे को ना कमेंट्स में से लोगों ने पूछा ये हाय किसको बोल रही है, हाँ। तो मेरे को मैंने किसी को ऐसे जाके बताया नहीं कि हेलो मेरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब लोग थे वहाँ पे, पापा थे सब थे, और मैं उनको बोलती हाय मैं हूँ यहाँ पे, आई एम देयर। मेरे को बताओ ना वहाँ पे क्या होता है, जैसे बहुत सारे फिल्म की वो होती है ना, इधर इधर मम्मा को मम्मा के गले लग प्यार ही आ गया, असि अपना पैसा खर्च के जावांगे जावांगे उस जगह पे, मैसेज जरूर जावांगे, इंग्लिश में पूछ लिया क्या कहेंगे फिर, मेरे को इस चक्कर में नहीं जाना। वो कौन जाते हैं फिल्में जाते जिनके जो सिलेक्ट होते हैं, जा तो सकते हैं बट करना क्या, लाइक पार्टीज है, एक एक्सपीरियंस है, एक वाइब है, यू नो बहुत सारी चीजें होती है। मेरा क्वेश्चन सारा बताना, फिल्म की बात में करेंगे बाद, पहले ये था कांदा बताओ, ये यही बताएंगे हम, आप पता करना था कि मैंने पहुंचे, आप नहीं गए ना कभी कांदा, नहीं हम नागपुर तक ही रह गए, कान तक लड़की चली गई। अच्छा फिर अवनीत क्या करते हैं जाके उसके बाद, थोड़ा नहीं उसके बाद क्या हुआ था मुझे ये वाले के बाद बताना, चल के कहाँ जाना, ऊपर जाते हैं हम लोग और वहाँ पे मूवीज दिखाते हैं, और इस बार बाय द वे हमारी इंडियन फिल्म जीती है कैन में 20 साल बाद, और हमारी फिल्म बेस्ट मूवी का मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का भी मिला है, एक इंडियन फिल्म है द लाइट करके उसको मिला है, तो बहुत ही प्राउड वाली बात थी हमारे लिए, क्योंकि इस बार इंडिया लिटरली टुक ओवर कैन्स दिस टाइम। यार ये अच्छी बात है, खुद भी जाओ और जिनके जीते उनके बीच में चले जाओ, ये करो बीच में मिक्स हो जाओ जाके, हां बहुत सारे हॉल्स होते हैं। So, there are many halls that you can go to. You get different screens for different movies. So, वहाँ पे अंदर movies देखो, आप लोगों के साथ बात कर सकते हो. There are very big producers. I saw Selena Gomez. I saw Leonardo DiCaprio, Bella Hadid, all these people. I saw. हाँ. एक कौन है भाई मेरे लिए तो सारे अंग्रेज. मतलब इंग्लिश वाले मैं तो कोई इंस्टाग्राम में बता दूं कौन कौन क्या है। अरे वो भाई सानू पता साडा सिंगर बब्बू मान गुरु रंधावा और साडे हीरो सलमान शाहरुख खान। हाँ यार मुझे नहीं पता ये सनीला गोम से सुनी मैंने तेरे से ही सुना है क्योंकि वो कड़क लड़की जिसको तू कहती है वही वाली है ना लड़की। हाँ वही वाली
अच्छा फिर उधर सेलेना गोमेज़ ऐसा रियल में भी इतनी सुंदर तो है, बहुत क्या बात है भारतीय, यही चीज तो उसके भी मारना चाहता था ना। तो आप किसी से मिले वहां पे? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊं वहां पे, है ना, शर्मा रहे भाई अम्मी ऐसे वाले अपने आगे जाते क्या मेरे भाई, मैं तो बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मेरे को तो बड़ी शर्म आती है, कोई जैसा भी जैसे सलमान खान भी है या कोई है जिनका थोड़ा काम कर चुके वो नजर से भी जानते हैं, बट मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं सामने, अरे सर कैसे व्हाट्सअप ऐसे, मैं बड़ी मैं कह रहा हूं हम अगर होते तो हम जाके मिलते हैं क्या, ये मिल लेती, ये कर लेती, नहीं नहीं मैं मिल लेती अगर मेरे को पूरी इंग्लिश आती होती जोर जोर के, मेरी ऐसा मिलाने तक मैंने अपनी इंग्लिश बनानी थी और मेरी बननी नहीं थी फिर मैं। हेलो भारती, व्हाट आर यू बिग फैन, मेरा बस यही रहता है। अगर मैं इधर को पूछूं कान में है, हेलो भारती व्हाट आर यू वेयरिंग टुनाइट टेल मी, तो क्या बोलेगी? इट्स H&M। कितना बोल दो बस, इतना तो समझ आ जाएगा ना भाई, दिस इज बाड़ेगा। वेल दिस इज द बाड़ेगा यार, व्हाट आर यू वेयरिंग टुनाइट, वो तो पूछते हैं ना, पर वो जो लंबी सी चादर है वो भी फिल्म उस वो लेके फिल्म देखो कि वो कहीं रख के जाओ और जो जो चल रहा है साफ करते करते चलो। नहीं बट आई टेल यू समथिंग, वहां पे ना लड़कियां थी मॉडल्स थी ना, रश्मि ये वो सब थी वहां पे, तो वो लोग मेरी तरफ देखती बोलती इसके साथ जाओ, शी इज गॉट अ वेरी बिग ड्रेस, वी विल गेट द अटेंशन दैट वी नीड, एंड आई वाज लाइक वाओ डूड तुम मेरे साथ आ गए, मेरे साथ मतलब चलने के लिए तुम अटेंशन सीक कर पंजाबन बाहर आई फिर आपकी आया ना फादर, मैंने ऐसा फ्लिप मारा मैं अच्छा लो, उन्हें फ्लिप उन्हें उतारी अपने चादर से, फ्लिप मारा या वैसे नहीं नहीं वो जो उसकी ट्रेल थी उसका तय मारा कपड़ा एडर तय की थी ने थे रखिया कहती अब आओ जरा अब मैं चार फिल्में देख के आती हूँ आई विश मैं ऐसे फोल्ड कर पाऊँ नहीं हुआ मुझे। हाँ, मतलब ये कपड़े तो यहीं से लेके जाने पड़ते हैं ना। हाँ हाँ भाई लगेज का क्या हाल, कैसे आते होंगे, मेरे पास 6 बैग्स थे, उसका तो एक ही बैग होता होगा अकेले उस कपड़ों का। हाँ, एक कपड़ा हाँ, मतलब वो वाले गाउन का मेरे जो ब्लू गाउन है एक बैग लगा है उसको। यार ये बहुत तगड़ा, मेरे को बातों से लग रहा है बहुत खर्चे वाला काम है, मतलब क्रेटा वेटा आ जाएगी इतने पैसों में आराम से आ जाएगी, बहुत बहुत, बहुत क्योंकि 6 बैग ऊपर से कान, बट हम लड़कों का कितना सही ब्लैक बस है बोल गालो तो बस शाइन वाला पहन लिया और बस घड़ी घुड़ी रख लो, जो पिछली कोई शादी में पहना वही पहन के चले जाओ, किसी को नहीं पता, लड़कों के कपड़े नहीं पहचाने जाते पता, अभी ये जो इसने पहना ना ये अब कभी नहीं पहन पाएगी ये, क्योंकि ये इसमें इतना आ गया और ये खुद नहीं पहनेगी, नहीं मैं उसमें दिखी हूँ लड़के पहना तो मम्मी काट दो वही जैकेट काट दो, डेनिम सेम रहती है ज्यादातर, ऊपर वाला तो चेंज करना पड़ता ना, पहन लो बस दिख जाओ, तीन फोटो हो जाती है ऐसा पता नहीं क्या क्या सडनली सनी गरीब लगने लग गया सामने कांस की बातें हुई ना तो ये भाड़े का होता है जींस बिल्कुल थोड़ा ऐसे बेचारा हो गया यार, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी बात है यार, हमारे सामने जो लड़की ने ग्रो किया वो कांस में जाके वॉक करके आई है और कॉन्फिडेंस ऐसे, वही मैं कह रही हूँ कि मेरा 17 बार है मतलब 18-17 बार हो गया, पर डर लगा था बहुत, नर्वसनेस थी, पापा थे मेरे साथ गाड़ी में तो मेरे पापा को बोला पापा प्लीज, क्योंकि अलाउड नहीं होता ना कारपेट पे, नोबडी कैन गो, अगर आपके पास इनविटेशन है टिकट है तभी यू कैन वॉक रेड कारपेट, यू कैन नॉट वॉक वैसे। अच्छा चेक होता है सब, पूरा चेक करते हैं वो कि आपके पास है इन्विटेशन या नहीं, कितना भी अच्छा कपड़े पहन के आए मतलब आप कोई भी कुछ भी अच्छा कपड़ा पहन के आ जाओगे तो आपको वॉक करने देंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पे, तो पापा आने वाले थे साथ में, मेरे पापा को बोला पापा पीछे से फैला देना फटाफट, और जैसे वो नीचे उतरे उन्होंने बोला नहीं प्लीज यू गो, आपके पास टिकट नहीं है यू हैव टू गो, एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, तब आपने आपको खुद संभालना है आपने पूरा खुद, यार वो लंबी चादर लेके खुद चलना घूमे ना कोई हेल्प भी नहीं करेगा पीछे, एंड दिस टाइम मैंने तो देखा भी है लाइक बहुत कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई थी वहाँ पे कि बड़ी बड़ी हीरोइनों को बोला था प्लीज यू कैन वॉक ऑफ द रेड कार्पेट आप जल्दी निकलिए यहाँ से, काफी लोगों को भी बोला था ऐसा, इसी कारण इसीलिए वो जाती नहीं है, तो अच्छा है नहीं जाती इसीलिए तो कमीज नहीं। हाँ भारती तेरे को जाना चाहिए यार, नेक्स्ट ईयर तू जाना, नहीं हम यहाँ पे रखेंगे अलग रखेंगे नाक्स, यार जरूरी है ऐसे ही पहन के जाने हैं हॉट कपड़े या कुछ अपना इंडियन भी पहन सकती हूँ मैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लंबी साड़ी कर लो पल्लू लंबा, हाँ पूरा रेड कार्पेट फैल जाए, नहीं आप काफी आप इंडियन पहन के जा सकते हैं वो और ज्यादा तारीफ होती है, मस्त लग रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और लंबा होना जरूरी नहीं है स्टाइलिश होना चाहिए, अच्छा मैं लंबा रखना ही है कपड़ा, मेरे को कभी अगर जाने का मौका मिला ना तो मैं सिंपल कपड़े पहनूंगा, मैं साड़ी पहनूंगी या लहंगा पहनूंगी, शर्ट पहनूंगा, साड़ी में बहुत प्यारा लगूंगा, मैं साड़ी पहनूंगी मस्त गजरा लगाऊंगी टेम्पल ज्वेलरी पहनूंगी और बच्चा ऐसे साथ में, अब तक तो बड़ा हो जाएगा एक और करना पड़ेगा लगता है ठीक है, लेकिन सनी मुझे ये बताओ कि ये कैसी एक्टर है इसके साथ काम किया, क्योंकि आप तो फिल्में कर चुके हो, ऑनेस्टली बहुत अच्छी एक्टर है, ये एक सीन था मेरे को याद है काफी लंबे डायलॉग्स थे, तो मैं अनुजी राजपाल हम सारे खड़े हैं
तो ये कह रही मुझे एक मिनट दे दो, तो ये गई, इसने तैयार किया, आए डायरेक्टर साहब ने पूछा कि आप रेडी हैं, कहती हाँ। तो इंटेंस कुछ इमोशनल सीन था, एक्शन हुआ, एक टेक, डायलॉग लंबा बोला है, ख़त्म। क्या बात है। एट द सेम टाइम एक होता है ना कि एक्टर्स जो एक या दो फिल्में हुई होती हैं तो आपको पता लगता है, तो ये शी इज़ अ गुड लिसनर, वो बहुत बड़ी बात है। वो व्हाट द डायरेक्टर वांट्स, व्हाट द इवन द सीनियर एक्टर से भी पूछती हैं कि सर ये कैसे है, करना ये है, जो एक डिस्कशन होता है वो बहुत ज़रूरी है। शी डज दैट। क्या बात है ना। चलो पैसे निकाल दिए, जब बोल रहा था तो कितनी अच्छी तारीफ की और अब पूछे सनी कैसा है, ठीक ही है ये बोल देना। सनी वही है जो रोज करता है हर साल में जा पिछले कितने महीने चली इसकी शूटिंग, इसकी 35 से 40 दिन 40 डेज तो हुआ है शूट खत्म। फटाफट बच्चिया को करवा ली फिल्म, है ना ये ठीक है। अवनीत आप घर में किससे डरते हो, मम्मी से या पापा से, कि अभी कांस में चल पड़े हो तो। अभी तो मम्मी नहीं बैठी ना, तो अच्छा बोल सकती है। मम्मी से। अरे पर वो बाद में तो देखेगी ना पॉडकास्ट ना होगा, मम्मी को पता चल गया। मैं कह रही ना बेटियां पापा से डरती ही नहीं है, पापा प्यार ही इतना करते बेटियों को है, पापा मारते हैं बेटों को। यार बेचारे पापा जो गाउन ऐसे करने चले गए उधर बेचारे, तो पापा बहुत प्यार करते हैं। इधर पापा के साथ कैसा था? मेरा मम्मी के साथ बहुत क्लोज था। बस मैं मॉम लॉस्ट हर 2 साल पहले है। हाँ जी, तो आई वॉज द मोस्ट क्लोजेस्ट ऑब्वियसली, तो वाया मॉम के थ्रू पापा को बोलते थे। पापा स्ट्रिक्ट नहीं कह सकता बट वो थोड़े से हम ओल्ड स्कूल है, तो थोड़ा सा वो है कि पापा को टच नहीं कर सकते। पापा को टच नहीं कर सकते। आज तक पापा ने मारा नहीं है, मम्मी ने बहुत मारा था बट वो भी प्यार वाला था, तो पापा ने कभी नहीं मारा। आज ही टेक्स द प्लेस ऑफ मॉम एंड डैड बोथ। पापा बाहर इतना एक्शन कराते होंगे, वो कहते हैं नहीं नहीं बेहोश हो जाएगा तेरे पे क्या करना, नहीं बेहोश हो जाएगा रहने दो, है ना। लेकिन पापा के साथ थोड़ा लड़के ऐसे ही होते, मतलब नहीं एक्चुअली होता भी है ना, आवाज आती है ना जोर से वहीं डर जाते हैं, आवाज में सनी हाँ जी तो ये है प्लेट भी लेके जाना हाँ जी गिर गई सनी हाँ जी। अवनीत की कुटाई हुई है बचपन में? बचपन में अरुण पड़ी मार। नहीं 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 पापा ने तो कभी नहीं, पापा नहीं मारते बेटी भी है ना, तो यहाँ पर मत बोलना क्योंकि ये जो लड़का है ना तुम्हारा एडिट में था क्या लगा है कांस में तुम कड़ी हो और मम्मी डैडी से किसी बच्चे को मार रही है। नहीं मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करते मुझे, लेकिन मम्मी से पड़ी बचपन में? हाँ मतलब डांट तो पड़ती थी। एक बार मैं ऐसी नेबर के पास चली गई थी खाना खाने को, जैसे क्योंकि उन्होंने बोला था गुलाब जामुन बने, तो मैं खाने चली गई, वापस आई तो 2 चोटियां जो मेरी थी वो खींच दी थी उन्होंने। और अपने फ्रेंड्स के सामने चोटी खींची जाए तो ज्यादा बेइज्जती होती पता। हाँ। तो तब भी आप ऐसे रहते हो कि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर नस यहाँ से खींचती पता। मैं ना इतने ठीक ठाक नंबर आते थे, मेरे को बचपन से हीरो बनना था, तो हीरो स्कूल में भी बनते थे, कोई पिक्चर देख के आया उसको मारा वही स्टाइल में। तो मम्मी एक बार ना मारते मारते लेके आ रही है, और जो मेरे फेवरेट लोग थे दोस्त थे वो साथ में चल रहे थे, 2 लड़कियां एक लड़का से चल रहे थे, और मैं उनके सामने बड़ा स्टाइल मारता था, तो वो खींच खींच के दे रही, मैं रुको एक सेकेंड मैं इतने मत मारो ना रुको, ऐसे करते करते घर। तो पहले मैं ऐसे बिहेव करता था लाइक हाँ ठीक है आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा थप्पड़ पड़ने की बात नहीं है, बढ़ रहे लिफ्ट में भी बढ़ रहे हैं, लिफ्ट में भी आंटी होती थी बढ़ रहे हैं ऐसा होता आंटी का माला आ नहीं रहा 17 बाल घुमा दिए 21 अब उतरे नहीं नहीं बच्चों को बेइज्जती बड़ी महसूस होती है, छोटे बच्चों को जो थोड़े वो लगता है कि मैं थोड़ी किड्स ईगो तो सबसे बड़ा होता है, बड़ों से भी ज्यादा होता है किड्स ईगो। बट हमें पंजाब की ना एक और चीज होती है कि मम्मी ने कह रहा तेरे मार्क्स आएंगे ना तेरे को गिफ्ट मिल जाएगा, जो बैट मिला हाँ ठीक है नहीं आएगा कुछ नहीं, हम ऐसे हैं कि नहीं आए मार्क्स बट बैट लेके रहे आप तो तुम्हें मैंने वादा किया था ना वो तो दो उस तो बाद की वादा सी मैंने पता पर तुम कैसी बैट लेके दवांगे मतलब आप लेके दे सकते हो सेकंड थर्ड सेवन। अभी कौन सी एज से आप एक्टिंग कर रही हो? मैं जब 7 साल में स्टार्ट किया था। सो आप स्टार्ट किया था आपने डीआईडी से? हां जी हां जी डीआईडी मास्टर्स यस यस। और डांस के ऑडिशन दिए थे? डांस के ऑडिशन दिए थे, मैं एक्चुअली 3 साल की थी तब से डांस कर रही हूँ, वैसे तो कथक मैं आई एम प्रोफेशनली ट्रेन्ड। अच्छा ये सनी हम लोग 3 साल में तो मिट्टी खाते थे। 3 साल में पैंट गीली हो जाती थी और टीचर पहले दीवारों की मिट्टी खाते थे। तो शू 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 हो गया ऐसा करते थे ये करते थे हम, ये तो डांस कर रही थी यार 3 साल की उम्र में। कौन सा डांस बॉलीवुड ब्रो? कथक जो इतना डिफिकल्ट होता है। अरे सांसों की माल ऐसे वाला वो इतना भी याद नहीं कि सांसों माला तक तो नहीं गई होगी। 3 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था तब तक मैंने, एंड मैंने एग्जाम्स दिए प्रैक्टिकल्स दिए कथक के लिए वो भी 3 साल की उम्र में।
नहीं वो 3 साल में नहीं थोड़ा बड़ी तो होंगे थोड़ी बड़ी तो होंगे वो भी 3 साल की उम्र क्योंकि मैंने कुछ वो देखे जब आप रिसर्च करते हैं ना तो सब मिलता है कि भाई डीआईडी भी आता है right. तो मैं कहा इतनी छोटी फिर साबुन का ऐड ऐड तो चलो बहुत क्या था तेरा साबुन स्लो है क्या किसको बोलते हैं बंटी बंटी को कहना बंटी तेरा साबुन स्लो था लेकिन लड़की देख कितनी फास्ट है वो फिल्में कर रही है और तू साबुन स्लो कर यार बंटी भी अभी बड़ा हो गया होगा वो वाला मिलता हूँ लड़का मिला कभी नहीं नहीं मैं बताना चाहूंगी कि वो ये बंटी है कैमरे के बीच अरे वो चेहरा अरे मैं देख भी रही हूँ वो देख भी रही है इसे वो आज ही आ रही है इसका साबुन स्लो था क्या बात है यार अवनीत अच्छा जी 14 तारीख को फिल्म आ रही है इस फिल्म में क्या ऐसा खास है जो हम देखे मतलब ऐसे क्यों बोल लो क्या ऐसा खास है हम देखे अब ये जो क्या हो रहा है ये वजन से हुआ है उठो अभिनव का आप तो इतनी ऊंची बच्चन साहब से भी ऊंची कुर्सी में बैठा है और मेरे को बार बार मेरी औकात दिखा देती है कुर्सी कि मैं इससे नीचे ही हूँ मेरा ना तुम पत्थर की सिल्ली लगा दो कोई जो नीचे ही ना हो नहीं तो कुछ करता है तो कोई टाइमिंग सेट किया टाइमिंग सेट में पुरानी हो गई भाई जब मेरी कोई अच्छी बात होती है मैं चली जाती हूँ नीचे यार मत करो मेरे साथ अरे यार हमको नहीं पता था अरे भाई मेरी एमी विरक के सामने बेइज्जती मैं कहा पाजी आपकी लाइफ में ये हो गया मेरा मुझे नहीं पता होएगी कि नहीं अब तू बैठ अरे मेरी सोनम बाजवा के सामने बेइज्जती हो गई सोनम बाजवा की मैंने आंखें देखी ऐसे मुझे देखती करती मैं खुद नीचे जा रही थी ना अब मैं खुद चाहूंगा मैं ऐसे करके ऐसे कर नीचे पहले लेवल में दे अभी अभी अब नहीं होना चाहिए गाइस मैंने आपके इतने पकड़ लिया आपकी फिल्म कब आ रही है हमारी फिल्म आ रही है और 14 तारीख को मेरा ये हाल हो रहा था अब मैं जाऊंगी ना माइक नीचे लेके बैठूंगी तो फिल्म का नाम है लव की अरेंज मैरिज तो कहानी क्या लव लव और अरेंज मैरिज की है बात है इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जैसे इसमें अनु जी मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं राजपाल सर है सुप्रिया पाठक मैम है मुश्ताक सर हैं तो बहुत लोग हैं और इसमें मेरा नाम लव है तो लव तो है ही नाम पर लव सबकी लाइफ में अलग है जैसे एक सिंगल पेरेंट की कहानी होती है कि उनको जब प्यार होता है तो वो एक पर्स्पेक्टिव क्या है हमारा अपना चल रहा है बैंटर अपना प्यार चल रहा है और भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी कहानी इट इज़ रिलेटेड टू लव ओनली बट वो कैसे अरेंज होता है और वो एंड में क्या होता है वो सब और ये Z5 पे आ रही है Z5 पे आएगी 14 जून को 14 जून को Z5 पे आ रही है भाई और सबसे अच्छी बात है कि 190 कंट्रीज में आएगी 190 कंट्रीज भाई साहब आधी तो कंट्री का नाम हमको वैसे नहीं पता युगांडा कौन कौन सी चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया कंट्री है या स्टेट है बताइए क्या था कौन सी जय जयको चेकोस्लोवाकिया इसकी स्पेलिंग कैसे है मेरे को भी नहीं पता चेकोस्लोवाकिया CHAKO चको ते सलवारा चको चको चेक रिपब्लिक यार प्राग चेक रिपब्लिक प्राग और वो सब जो है वो है हम तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारी मासी जी रहती है हमारा कोई नहीं रहता हम गए दो बार गए हनीमून पे गए चेकोस्लोवाकिया हां जी प्राग जैसे अभी पिक्चर की शूट है उस हिसाब से जाता हूँ थोड़े दिन एक्स्ट्रा रहता हूँ वैसे घूमता हूँ अपने हाँ अभी अपने फैमिली को लेके गया था दुबई तो ऐसे बीच बीच में जाता हूँ थोड़ा बहुत आपके दोस्त कौन है सबसे पहले दो लव सर है हम हर 3 दिन में मिलते हैं घर बैठते हैं तो पूरा ग्रुप होता है कई बार राजकुमार मैं सारे होते हैं बट वैसे और दोस्त हैं जैसे क्रिकेट में है KKR की टीम में नितेश राणा है फिर रिंकू है यार उसने क्या किया यार जी रमन है सुयश है बहुत लोग हैं बट ये ना पीयूष चावला जी हैं तो पीयूष नितेश बहुत क्लोज रहे हैं उनकी फैमिलीज हम सारे तो एक वो वाली बात है कि ना ऐसा फील है कि मैं एक्टर हूँ ना वो क्रिकेटर है एक घर वाली वाइब एक दूसरे के घर रहते हैं वो एक बहुत अच्छी चीज है आपके कौन फ्रेंड्स हैं बालवीर वाले बच्ची है ना बालवीर वाले
परी वाले है ना वो वाले हैं कि वो सारे बड़े हो गए ना अभी वो भी सब भी अपने अपने बड़े हो गए। हमारे फ्रेंड भी कॉमन भी हैं, ओशान है मेरा एक बहुत ही क्लोज दोस्त है वो भी कॉमन है ऐसे भी। मेघना इज आल्सो मेघना है, मेघना अब यही है सुन रही है घाटे की भाजा के। हां काय यही वाली मेघना अपनी मेघना। अरे वो तो दोस्ता है भाई सभी दोस्त दोस्त का झुंड है हमारी मेघना। अच्छा तो ये बाकी जो बाकी बच्चे थे टीवी वाले वो है अभी भी दोस्त सारे पार्टी वार्टी करते हो? नहीं पर अभी इतना मिलना नहीं होता है अभी सब लोग अपने अपने फील्ड में कितना अच्छा कर रहे हैं सब अपना बिजी हो गए लाइफ में तो अभी उतना मिलना नहीं होता है। पर मेरी स्कूल फ्रेंड्स है अभी भी मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो हम लोग 11 साल से एक साथ है कृपा और मैं। कृपा ऐसी एक सहेलियाँ होती है टीवी वीवी पे नहीं आती रजनी मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है रजनी। हाँ कृपा ही बेस्ट फ्रेंड हो सकती है बता क्योंकि उसका नाम ही कृपा है मेरे पे कृपा ही है। अभिनीत कैसी फिल्में करनी है कैसी ऐसा मतलब अभी आप अभी तो बहुत छोटी हो जैसे कोई फिल्म मिलती तो एक्साइटेड हो जाती हो कि नहीं पहले मैं स्टोरी सुनूंगी क्या है बस बोल देते हैं कि अवनीत आप हीरोइन हो तो ऐसा खुशी हो जाती क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी बच्ची हो मतलब बड़ी हो गई है काम के मामले में लेकिन अभी भी यार वो बचपना तो है कैसा होता है जब फिल्म आती है? स्टोरी सुनना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे कैरेक्टर के बारे में स्पेशली सुनना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लेयर्स के बारे में बात करूं या ग्राफ के बारे में बात करूं टीकू एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट स्क्रिप्ट थी और एक डिफरेंट कैरेक्टर था ओवरऑल ये एकदम ही कम्प्लीटली डिफरेंट है वो ड्रामा था ये कॉमेडी है। आई हैव डन रोमांस ऑल्सो विच इज़ कमिंग अभी थोड़े टाइम में थ्रिलर भी मैंने एक शो किया है वो भी आने वाला है तो आई ऑलवेज वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट मैं जितना एक्सपेरिमेंट करती हूँ उतना मैं खुश होती हूँ। क्या बात और सोशल मीडिया पे जो फॉलोइंग है आपकी क्या क्रैक किया है? मैंने तो ये बोला था आधा तो देश है वो हाँ? जितने फॉलोवर है ये कह सकती है अपने फॉलोवर चलो हम अलग दुनिया बनाए तो इसको अलग देश बन सकते हैं। तीन चार देश मिला के तो फॉलोवर हो गए। कितने फॉलोवर्स हैं? 32 मिलियन। 3 यहां देते इधर 3.2 मिलियन भी नहीं है हमारे 1.5 है गाइस 3.1 है मेरे 8.5 एक छोटा सा देश तो बना मेरा छोटा जिला बन सकता है मेरे 8 मिलियन है 8.5 8.5 मिलियन। अरे एक काम करते हैं हम हमें थोड़े से YouTube के व्यूज दे दो फॉलोवर दे दे। हां तो आज हम बोलते हैं कि हमारे प्लीज YouTube के कुछ व्यूज है उनको दे दो तू फॉलोवर कहना अपनी जल्दी गाइस प्लीज गो एंड फॉलो। अरे बुरा बोल रहा हम हमारा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हमारा लिंक हम नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में ये देंगे कि हमने एक दूसरे की ऑडियंस बांट दी है। अच्छा अवनीत कैसी हीरोइन है एकदम डाइट वाली के पराठे परोठे कड़ी चावल राजमा चावल दूसरा बोला ना अपने भी पराठे परोठे कड़ी चावल एज की वजह से क्योंकि अभी एज बड़ी छोटी है ना बहुत खाती तो इस एज में आप कुछ भी खाओ। मैं अभी चॉकलेट केक खा के आई हूं मम्मा ने खिलाया है अपने हाथ से चॉकलेट केक खाओगे हमें नहीं नहीं भाई बट इस एज में आपको खाना भी चाहिए और आप कुछ भी खा के पचा सकते हैं। आई थिंक अभी जब तक है टाइम के बाद जो हालत होती है ना गाइस मतलब उसमें तो लग जाते हैं आपके है तो बहुत फिट है बहुत ध्यान सच में आपके साथ कोई सो रहा था तो ऐसे लगता कि अरे ताऊ जी आप अरे भाई बच्चे को भी ऐसे सिर तो मैं किसी बुजुर्ग का बच्चा है मेरे पास लेकिन यार आज क्या हो जा रहा है हंसी जा रहे आज ना घर बैठे हम इसीलिए हमारे पॉडकास्ट में ना कोई ज्यादा सेंसिबल बात नहीं करते क्योंकि हमसे होती क्योंकि ना हमें डिटेल्स भेजते कि आप ना उनको उनकी जर्नी पूछना कैसे फिल्म का एक्सपीरियंस फिल्मी गाने कौन से हैं ये मैं कह नहीं हम तो सीधा कड़ी चावल राजमा क्योंकि यही होता है जर्नियां तो आपको कई बार बोल दी होंगी रियल कंटेंट करेक्ट कड़ी चावल खाने अभी हमें साथ में बैठ के है ना मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है किसी सारे काम मम्मी को दे दिए आलू पराठा और केक दे देंगे ये कभी नहीं बोला कि मैं इतना अच्छा बनाती हूं कभी साथ में तुम भी बना लेती हो खाना बनाती हो खाना नहीं नहीं रहने देते फिर बहुत ही आप अपने घर रहिए शूटिंग पे नहीं नहीं कभी नहीं नहीं क्योंकि मैं हिम्मत भी नहीं कर सकती मैं आप ट्राई इट आई एम वेरी बैड एट इट ट्राई किया है हां ट्राई क्या बना खिचड़ी टाइप बन गई होगी कुछ पता नहीं बन बना खाने की भी एक ऐसी चीज है ना कि जिसको आता है मतलब जो बना सकता है वही बना सकता है। मेरा भाई बहुत अच्छा शेफ है जय बहुत अच्छा शेफ है वो बहुत अच्छा खाना बनाता है बाजू बुजू में रोड़ देते हैं ये वाले मारते हैं छोटे भाई मारते हैं है ना बड़े भाई फिर भी थोड़ा सा नहीं मारते छोटा भाई तो ऐसा मेरी हाँ मेरी भी दो बड़ी बहनें जब छोटे थे तो यही था मैं तो बैडमिंटन भी मार दिया था उसके सर पे हाँ यार मेरे भाई ने भी पत्थर मार दिया था इतना
इसको ओ लाल ये वेरी बैडमिंटन में आता पत्थर मार पत्थर भाई ये कहता मैं मार देना ही दे दे मेनू अमरूद आधा खाया था आधे अमरूद के लिए उसने मेरा खून बहा दिया बहन बहन तो सोचो अगर वो आर्मी में जाता तो कितना बड़ा क्रांतिकारी होता और सो तेरे पास पूरा अमरूद होता तो तेरे को मार दिया होता मैं कहता खाई ना मैं खा लिया होता ना कि इसके आने तक मैं खाई गई हाँ कहता मैं मार देना तो मुझे लगा मेरा भाई एक ही खून है ये मम्मी गई है ये मुझे मार के मार थोड़ी देगा कहता मैं मार देना सोचो कितना भूखा सी उन्हें मेरी मारता भाई पत्थर मारता इतने मैं कहा मैं फिर भी खाई गई फिर इधर से खून आया मैं खून देख के रोई पता खाई गई थी अरे वाह चटनी लगा के अरे बाप रे बाप इस पॉडकास्ट में कैसी कैसी बातें हो रही है लेकिन आई थिंक आप पूरे दिन में कितने न जाने कितने इंटरव्यूज कर चुके होंगे और सब एक ही सवाल पूछते हैं कितना बोर होता है बिकॉज़ हम भी कोई शो की प्रमोशन के लिए जाते हैं पहले शुरुआत में बड़ी एनर्जी रहती है हमें हेलो हाउ आर यू जब सेम चीज रिपीट होती है हाँ जी बस यही है मैं ट्राई करता हूँ कि जो चीज मैंने बोली है उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलूँ बट नहीं कर पाते और फिर वही आना पड़ता है फिर मेरे को ये बोलना पड़ता है मैंने ये पहले भी कहा है कहीं कि बात ये है और फिर दूसरी आ जाती है फिर मैंने बोला भाई ताकि बची भी जावे ना और ये इसने पहले भी कहा था उसने कहा भी तो था मैंने कही अच्छा, बात कही ये सवाल तो हमेशा होता है जैसे अवनीत सोशल मीडिया सेंसेशन है तो आप ट्रोल्स को कैसे देखती हैं क्योंकि जब इसके 5 लाख कमेंट आते हैं तो उसमें से कोई तो खराब होगा ही और वही पकड़ के आप कर लेते हो लेकिन हम तो वो कैसा दुख होता है आई बड़ी ज्यादा ही मच्छर गई थी वहां पर ऐसे लोग लिखते तो उनको कुछ जवाब देती हूँ कि नहीं ऐसे हाँ मतलब अभी जैसे आपने बोला वो कैन वाली चीज में भी सब लोग ऐसे मतलब कमेंट कर रहे थे कि इसको कौन लेकर गया वहाँ इसको किसने बुलाया मैंने बोला नहीं मैं अपनी मूवी का पोस्टर लॉन्च करने गई थी यार देखो पैसा खर्चा करके गई हूँ वही मतलब रीजन था मेरा वहाँ जाने का और आई जस्ट वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट दैट लेवल एंड आई वॉज रियली प्राउड ऑफ दैट फीलिंग माई पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ दैट फीलिंग दैट आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट सो नेगेटिव सोचता नहीं है देखो कोई अब इन्होंने जो बताया कि इतनी यंग एज में आप कहाँ से जा रहे हो नहीं होता इन्फ्लुएंस इतना हो जाते हैं नेगेटिविटी से कि फेमस होने के लिए हर इंसान उस हिसाब से नेगेटिव चीज चूज कर रहा है तो हाँ सच में कि उसको बोलेंगे तो वो कमेंट करेगा हाँ। या तो वहाँ पे ज्यादा सा वो एक क्रिएट होगा ना कॉन्वर्सेशन क्रिएट होगा और मैं बताऊँ आजकल के ना जैसे अवनीत को शायद इतना इफेक्ट नहीं करता होगा क्योंकि ये डे वन से इन्फ्लुएंसर रही है और डे वन से हजारों कमेंट आ रहे हैं और डे वन से गालियां तालियां सब आ रहा है तो अभी इसको पता है कि अच्छा ठीक है ये आया हाँ ठीक है हाँ ठीक है बट यही सेम चीज किसी और को आ जाए ना जिसने नया नया इंस्टाग्राम बनाया उसको 4 गाली आ जाए ना बड़ा इफेक्ट हो जाता है बट ये बहुत अच्छी बात है कि जिनको नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहे हाँ बट आई फील लाइक वी शुड ऑल्सो स्टॉप स्प्रेडिंग दिस नेगेटिविटी और जितना हो सके एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए और पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए कोई हाँ यार मेरे को मैं भी कभी सुंदर फोटो डालती हूँ ना मेरे में भी लिख देते हैं पांडा गैंडी तो मेरे को पांडा और गैंडी तो वैसे बड़े प्यारे लगते हैं तो अच्छी बातें लिखा मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता यार नहीं आपको तो पड़ता ही नहीं देखा लोग होता एक से चलेगी इधर क्योंकि वो बेचारी लोखंडवाला तक नहीं जा पा रही जो लिख रही है ना कितनी ज्यादा तू ओवर स्मार्ट है क्योंकि वो उसकी माँ कह रही है क्या कर रही है तो आई आई बड़ी इसको किसी ने बुला लिया एंटर आई मम्मा मम्मा बर्तन करती हूँ घर बैठ के उनको लगता है ये बड़ा क्या है ये कर रही है बट जब उनकी जर्नी देखो कितनी मेहनत की तब चीजें बदल भाई जर्नी मैंने देखी है कि बच्ची कैसे काम करती थी पेरेंट्स कैसे बैठते थे झलक दिखला जा में इतने इतने घंटे रिहर्सल होती थी झलक का उसमें जाके वो बच्ची करती थी इवन मनीष भैया को भी मैं मिली थी तो वो ये DID में भी थे वो मेरे साथ तो झलक में भी तो थे मनीष भैया तो देख के वो तो इतना खुश होते हैं मतलब वो भी अब हाँ सच में उन्होंने अनाउंस किया अब आ रही प्यारी सी बच्ची डेजा वो हो रहा है ना ऐसे लग रहा है कि पहले की बातें आप सनी मैं आपसे यही पूछूंगी मुझे उस फिल्म का बड़ा इंतजार रहता है प्यार का पंचनामा या सोनू के टीटू की स्वीट और ये ऐसी वाली फिल्में कब आएंगी जिसमें भोला दोस्त लड़कियां चली जाती हैं इसमें भाई इस बार लव लव जिसे बोलो कि कुछ उल्टा हो इस बार लड़के जाए नहीं ये तो देखो वही बताएंगे बट मैं कई और भी फिल्में आ रही हैं जिसमें अब वैसा नहीं है अब अच्छा थोड़ा अलग है शैतान है मतलब जुगाड़ू है जैसे इसमें भी जुगाड़ू है लव की रिचमैन इसमें बट मैं खुद चाहता हूँ कि वो पार्ट्स बने अब देखो लव सरी बताएंगे ये तो
मैं बता ही नहीं पाऊंगा आपको। लव सर लेके आइए, लव सर लेके आना, और देखो अगर जगह है तो सालो ले लो। जो लास्ट में बोला धीरे ऊंचा रखना। नहीं यार बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट में, ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट खत्म ना। सच में ऐसे लगा कि हमारे इधर रेस्टोरेंट में आए थे, चाय भाई आए बैठे और थोड़ा बातें करें। लेकिन हमको पता है आप लोग सुबह से इतने थके हारे आए हो यार, तो हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन एक वादा लेंगे कि डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी आपका मन करे प्लीज आओ, बिकॉज हमको ऐसा लगा ना कि आज इतनी कमाल की वाइब बैठी है ना। हाँ जब भी आपको लगे। कितना हंसे यार। कसम से मैं बहुत, मैं बोल रही हूँ मैं एक हफ्ते से नहीं इतना हंसी हूँ जितना मैं अभी एक घंटे में। हम फिर आ जाएंगे जब भी आपको मन। बाद में हम लोग ही आपको फोन करें भाई। जब ज्यादा बारिश बुरी शाही बाढ़ बुढ़ आगे बुलाते हैं। यही फोन करें, अभी ना भी करें। ओ सर वो तो हंसते ही रह गए, दो मिनट ही निकला बस, बाकी तो सारी काटनी पड़ी। बट अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है अभी? अभी तो कुछ बड़े बड़े वाले हैं, बताना मत कौन से है कुछ। अभी नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि लव की अरेंज मैरिज के लिए आए ना, तो अच्छा मतलब और भी तो है ना। चलेंगे, चल ही रहे हैं। चल रहे सनी आ रहा कुछ इनके तो वाइल्ड वाइल्ड पंजाब लव सर की, जो प्रोड्यूस उन्होंने प्रोड्यूस किए, बहुत अच्छी फिल्म है। फिर आ रही है रिस्की रोमियो, जो अभी सेन गुप्ता ने डायरेक्ट किया, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। फिर एक अमर प्रेम है जो जियो के लिए है, बहुत अच्छी फिल्म है वो भी है। और भी है भाई, लड़का बिजी है भाई, शादी का क्या प्लान है? शादी मैंने कुछ सुना भी नहीं कभी, किसी लड़की के साथ सनी सिंह का चक्कर है या पार्टी में हाथ से पकड़ के निकल रहा है, ऐसा कर रही लड़की। तो प्लीज पकड़ी क्यों नहीं गए कभी? क्योंकि मैंने कभी दिखाया नहीं, ऐसी कौन सी जगह है? क्योंकि मैं बुलाता ही नहीं हूं, पैप्स नहीं बुलाता, मैं बुलाता नहीं हूं। और मेरे को ना भाई इस बात पे बड़ी शर्म आती है। 5:30 एयरपोर्ट पहुंचे, वो आगे से गए, क्यों पहुंचे? एक चीज है, एक तो ये 2024 ये डेकेड भी ऐसा है, बुलाना कई बार पड़ता भी है ऑनेस्टली, और कई बार नेचुरली भी वो अपने आप खींच देते हैं। बट मैं ज्यादा प्राइवेट रहूँ इस मामले में। हाँ, हम तो हमेशा ही पकड़े गए, कोई और बड़ा स्टार आया होता हम एयरपोर्ट जाते हमारे फोटो हो जाते बस, हमने कभी नहीं बुलाया। क्योंकि मैं ना इजी होके बड़ा जाती हूँ एयरपोर्ट, चप्पल पजामा पहने, क्योंकि आपने अपनी मैं वो बोली ना टाइट ड्रेस कि जहाज भी कहे कि एक मिनट नहीं ड्रेस बदलो, मैं नहीं ऐसे हो रही, हम तो खुले पजामों वाले हैं, हमारा बच्चा भी मुंह से पानी निकाल रहा होता पूरा वो वाला, हम कोई पैप नहीं, पैप आ जाते दूसरों के लिए। फनी भी लगता है, मैं जब देखता हूँ ना तो लोग आके पहले अपने मैं ठीक हूँ भाई प्रॉपर। मुश्किल कपड़े में कैसे बैठ जाती हो अवनीत? मुश्किल कपड़े जो अवनीत मुझे बताओ, मुश्किल टाइट वाला होता उसमें वो टांगे ऐसे करने का मन नहीं करता? बताओ मुझे, मैं नहीं बच्ची जेंजी बच्ची नहीं जेंजी बच्ची जेंजी हुई ना, बाहर तो चलो पहननी पड़ती क्योंकि आप हीरोइन हो, टाइट ड्रेस, घर आके जब उतारो तो हाँ मम्मा पानी दे दो, ऐसा होता है स्पेशली तो कॉर्सेट्स यार, कॉर्सेट्स आर सो लाइक यू हैव टू बी अभी चलेगी यार, ऐसे क्यों होता है जब मैं वापस देखता नीचे रहते हो? पता नहीं क्यों हो रहा है, भाती उठ जा, उठ जा यार, ये कुर्सी चेंज करानी पड़ेगी, तू इधर बैठ जा, तू इधर बैठ जा यार, इधर बैठ जा भारती, कोई बात नहीं, मुझे माफ करो यार, कैमरे वो कैमरे वाले को भी बोल रहे हो काम ही माइक यहां पर तू ऐसे ही बैठ भारती, ऐसे ही बैठ, ऐसा ज्यादा दिखता मुझे तू कुछ करता है पैसे नहीं कर रहा वो नहीं कर रहे, वो कैमरा आपको ढूंढने लग गया। मैं नहीं कर रहा भाई, तुम्हारा खुद का वजन है ये, मेरा हंस हंस के बुरे हाल हो गए, मैंने फिर अपने आप को तुम लोगों से छोटा होते देखा, मैं छोटा महसूस कर रही थी उनके बीच, आज मुझे पता चला अवनीत मुझसे कितनी ऊपर रह गई है। आँखों में तेरी, ये तो आँखों में तेरी, जो वो था वजह रहती गई। अब ऐसा ना आपका झाजे नीचे पाजी चले गए आज नहीं यार कुर्सी जीत रहा यार। सो गाइस मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट ना अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए दोबारा फिर मिलना पड़ेगा। ऐसे भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि हर संडे मिले, ऐसा होता है ना क्या कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो सीरियसली। और बहुत कम वाइब ऐसी मैच होती है जहाँ पे अपन इतना हंस रहे हैं, जबकि कोई ऐसा इतनी कॉमेडी भी नहीं हो रही, बट ऐसा होता है कि यार बस बातें चल रही है और मजा आ रहा है। और ये आज का दिन क्योंकि इसको बंटी मिला भाई, बंटी तेरा साइन चलो है, इसने सच में समझ गई थी बंटी है, वो तो बंटी भी जाना नहीं, वो मतलब तू स्टार बन गई और वो कैमरा बन गया, वो भी बाद में ये कहे जैसा होगा बंटी तुम्हारे साथ दो जो। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट यहीं पर हम खत्म करते हैं, और आपको बताते हैं कि 14
जून को Z5 पर आएगी। लव की अरेंज मैरिज हो रही है भाई, हम सब ने आना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शगुन डालना है। आना कहीं नहीं है, आपने घर बैठ के घर बैठ के देखना है, तैयार होके। और शगुन में क्या देना है, प्यार अपना और बहुत सारी ब्लेसिंग। क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ, जब कोई आता है अपनी फिल्म को लेके, बड़ी उम्मीदें होती है और उस फिल्म के पीछे दो लोग नहीं, बहुत लोगों का हाथ होता है। सो प्लीज, अब तो Z5 पे है, अब तो संडे आते रहते, जब मर्जी फिल्म देखो। 190 कंट्रीज में आ रही है। यस है, देखते रहिए। 190 प्लस कंट्रीज में आ रही है, तो आप किसी भी कंट्री में जाके देख सकते हैं स्पेशली। और अच्छी बात है कि आप अपनी कंट्री में भी देख सकते हैं। यस, और अब थैंक यू सो मच। हमने लिंक नीचे डाल दिया हुआ है Z5 का भी, कि आप कहां पे जाके देख सकते हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए भारतीय टीवी। यस यस, और सनी और अवनीत को बहुत ज्यादा प्यार देना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बच्चे फिल्में कर रहे होते हैं ना, इनको बड़ी आगे उम्मीद होती है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, और ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी देखना। और दोबारा फिर आओगे? मैं तो आता ही रहूंगा, ये भी आती रहेगी। अब तो कितना मजा आया। अब नहीं गई, अब नहीं गई, नीचे देखो।